आज मैं आपको इस ड्रामे का एक एक्सक्लूसिव BTS भी दिखाऊंगा, जिससे मतलब इसकी स्टोरी काफ़ी क्लियर होती है। और दुरे फिशा का जो अटायर है, जो उनका लिबास है, वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और स्टोरी के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। तो बाकी भी मैं इसकी कास्ट में कुछ मज़ीद इजाफा हुआ है एक बड़े एक्टर का और कुछ स्पोर्टिंग एक्टर्स का, तो वो भी बताऊँगा। तो मैं बात करूँ ARY डिजिटल के अपकमिंग ड्रामे जैसे आपकी मर्जी के बारे में। इसकी स्टार कास्ट में होने वाले हैं मिकाल जुल्फकार, दुरेफिशा सलीम, हीरा उमर, और अभी इजाफा जो है एक बड़े स्टार का, वो होने वाले हैं दानियाल अफजल खान। इसके अलावा स्पोर्टिंग कास्ट में होने वाले हैं जावेद शेख, कुमेल अनम, अली ताहिर, हुमा हामिद और राशिदा तबस्सम। इस ड्रामे को डायरेक्ट करी है सबा हमीद और इसे लिखा है नायला अंसारी ने। नायला अंसारी की लिखी हुई चीज़ें अक्सर बहुत अच्छी होती हैं और सबा हमीद की डायरेक्शन भी अच्छी है। हम उन्हें एक टेलीफिल्म में देख चुके हैं डायरेक्शन करते हुए, तो अभी आप ये BTS देखें, उसके बाद इसकी बात करते हैं। तो आपने BTS देख लिया होगा, मतलब दुरेफिशा इस दफ़ा एक इलीट क्लास वाला है, एक मतलब अच्छा मॉडर्न फैमिली वाला रोल करने वाली हैं, और ड्रामा भी अच्छा लग रहा है। बस कुछ लोगों का मुझे ये रिस्पांस देखकर मतलब काफ़ी हैरानी हुई कि वो कह रहे थे अगर इस ड्रामे में मिकाल ना होते और दानियाल अफजल खान और दुरेफिशा सलीम का पेयर बनता तो शायद ड्रामा और यूथ अपीलिंग होता। अभी मिकाल हैं तो मज़ीद जाकर आगे देखते हैं कि चीज़ें कैसे अनवेल होती हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको BTS कैसा लगा, या आप ये ड्रामे के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, या आप ये ड्रामा किसके लिए देखेंगे, मिकाल के लिए, दुरेफिशा सलीम के लिए, दानियाल अफजल खान के लिए, या ARY डिजिटल का एक अच्छी कास्ट वाला बड़ा ड्रामा होने वाला आप इसलिए देखेंगे, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।